हे गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन दबाकर पाइए नेवर गिव अप इंडिया के सारे अपडेट्स। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? गाइस, ये मेरा 12th नहीं चाहिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, आज हमारा सेकंड डे है। डोंगा कढ़ाओ, डोंगा कढ़ाओ, और डोंगा कढ़ाओ के बाद कदी जाबो हमन कैसे मारोगा? डोंगा कढ़ाओ किधर है आपको पता है? डोंगा नहीं मालूम, स्टेशन बता ना। स्टेशन कलतरा उतर पे, अकलतरा में है। हाँ। अकलतरा से डोंगा कढ़ाओ। हाँ। फिर होती ले पामगढ़ उतर पे, पामगढ़ चल मिल के बहुत अच्छा लग रहा है, हाथ मिला रहे, ठीक है। फिर से थोड़ा पास आ जाइएगा ना, थोड़ा सा पास आइएगा। हाँ ठीक है, वो ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं राइट में, राइट में ऐसे आके फिर ऐसे उठाएंगे फिर। हाँ थोड़ा पॉज लेके ना। हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन सिंह, इस शो का होस्ट, आपका स्वागत करता हूँ इस शो में जिसका नाम है कहानी संघर्ष की। सो दोस्तों, आज हमारे साथ एक इंडियन यूट्यूबर है जो काफी इंस्पिरेशन है हमारे इस इंडियन यूथ के लिए, क्योंकि आजकल बहुत जल्दी लोग हार मान जाते हैं लेकिन ये हार मानने वाले लोग में नहीं है। तो आइए उनसे हम आपको रूबरू करवाते हैं। लोग्स दोबारा एटीएम मिलेगा ना बाजी? एटीएम 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 इधर नहीं है, पांच दुकानें छोड़कर राइट हैंड साइड पर। दिख रहा है एटीएम कोई नहीं है ना? एटीएम मिलेगा पाजी? एटीएम आगे आगे लेफ्ट पर, इधर बैक पर, तो पीछे भी है साथ में, ठीक है। अंदर पीछे यार, अंदर पीछे यार, चल देखिए। हमारा गोल्डन टेंपल घूम लिया, आपको भी थोड़ा शेयर कराए। और गाइस, आज हमारा शूट यहीं तक था, जो ये ब्लॉगिंग है। देन आपको एपिसोड 12 अब आपको मिलेगा इस ब्लॉग के बाद। हमारा ये एपिसोड यहीं तक ब्लॉगिंग है और आपको मिलेगा, दिखेगा। सो किधर है यार? सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जितना हो सके, और दोस्तों को बताइए, और लाइफ में कभी हार मत मानिए, और नेवर गिव अप इंडिया। बाय गाइस।